नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का, अपने फिटनेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखे होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास के सबसे बेहतरीन नोट्स के बारे में। ठीक है जी, सभी बच्चों को भाई नोट्स तो चाहिए ही चाहिए। अभी आप लोगों का जो 2024-25 बोर्ड का जो सेशन है शुरू हुआ है ना, आप सभी अभी बहुत सारे बच्चों ने अभी किताबें भी नहीं परचेज की है, बहुतों के पास भाई पढ़ने के लिए कुछ नहीं, स्टडी करने के लिए कुछ भी नहीं है, है ना। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आ रहा था कि भैया आप ना पीडीएफ प्रोवाइड करा दो हमें, है ना, जो भी हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का या फिर और सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट का हमें पीडीएफ प्रोवाइड कराओ। तो देखिए, आज हम सबसे पहले हिस्ट्री की पीडीएफ के बारे में हम बात करने वाले हैं, हिस्ट्री के नोट्स के बारे में बात करने वाले हैं। आर्ट्स स्ट्रीम में सबसे बेहतर नोट्स आपको देखने को मिल जाएगा रोशन सा स्टडी पॉइंट पे, है ना। नोट्स की खासियत क्या है, क्या विशेषताएं है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और ये भाई कंपलसरी है कि हमारे चैनल पे पढ़ने वाले, रोशन सा स्टडी पॉइंट पे पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट के पास ये पीडीएफ तो होना चाहिए। इतिहास का जो मैं पीडीएफ बनाया हूं वो आप सभी के पास होना चाहिए। जब भी जाके आप 95 प्लस का जो आप सपना देख रहे हैं, 95 प्लस स्कोर आप हिस्ट्री में करना चाहते हैं, तभी जाके आपका सपना पूरा होगा जब आपके पास ये रोशन सा स्टडी पॉइंट का नोट्स होगा। बाकी देखिए, नोट्स की मैं बात करूं तो अगर आप इस नोट्स को परचेज कर लेते हैं या फ्री में भी भाई ये नोट्स अवेलेबल है, आप सभी को फ्री में भी उपलब्ध हो जाएगा, तो ये नोट्स तो आप अपने पास रखे ही रखे। साथ ही साथ जो स्टूडेंट खुद से नोट्स बना रहे हैं भाई, बहुत अच्छी बात है। मैं तो हमेशा उन सभी स्टूडेंट को भाई तारीफ करता हूं जो खुद से नोट्स बनाते हैं। तो भाई अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हो, अगर आपके अंदर नोट्स बनाने की काबिलियत है, तब आप इस नोट्स को परचेज मत करना, है ना। लेकिन आपको लगता है कि भाई मैं नोट्स नहीं बना सकता, और कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नोट्स बनाने का सही तरीका मालूम नहीं होता है, या फिर वो मतलब वो चाहते हैं कि भाई कहीं से अपने आप मतलब पीडीएफ वगैरह मिल जाए, अपने को बना हुआ पीडीएफ मिल जाए तो उससे हम स्टडी कर ले, तभी जाके आप, अगर ऐसे स्टूडेंट की कैटेगरी में आप आते हैं तो इस नोट्स को आप लोग जरूर परचेज करें। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको नोट्स दिखाता हूं, नोट्स की खासियत क्या है, इस पीडीएफ की खासियत क्या है, मैं क्यों कह रहा हूं कि आप सभी के पास ये पीडीएफ होना ही चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, है ना। तो चलिए जी, हाँ ये अपना पीडीएफ, हमें जाना है 1 पेज नंबर पे। हाँ जी, तो अपना ये पीडीएफ ओपन हो चुका है। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, इतिहास में हमारा जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर की मैं बात करूं, चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है ईंटे मन के तथा अस्थिया, है ना। अब आप देखोगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये जो पीडीएफ हमने तैयार किया है भाई, पूरी तरीके से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तैयार किया है। एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स आप देखेंगे ना, सारे ही टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे भाई, यहाँ पे सबसे पहले समय काल से स्टार्ट किया है, ये स्टार्टिंग में हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन डाला है। ठीक है, स्टार्टिंग में सारी चीजें, चैप्टर के बारे में जो भी जानकारी हमें देना था वो सारी चीजें हमने, ये स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होगा आपका, है ना। उसके बाद आप जाओगे तो एनसीईआरटी में जैसे टॉपिक, आप पहले चैप्टर में पहला टॉपिक देखोगे, है ना, आरंभ, है ना, तो आरंभ वाला टॉपिक है। उसके बाद जैसे एनसीईआरटी में आप आगे बढ़ोगे, अगला टॉपिक जो भी होगा उसको हमने इसमें ऐड कर दिया है। आरंभ के बाद निर्वाह के तरीके है, हड़प्पावासियों के निर्वाह के तरीके की बात कर लो, उसके बाद कृषि प्रौद्योगिकी की बात कर लो, है ना। अब जब एनसीईआरटी बुक को आप पढ़ने जाओगे ना, तो एनसीईआरटी बुक में थोड़ा हार्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पे आप नोट्स को आप देखोगे तो पॉइंट्स में, सबसे बड़ी बात यह है कि सारी चीजें आपको पॉइंट्स में देखने को मिल जाएगा। पॉइंट के साथ साथ हमने बिल्कुल सरल और स्पष्ट भाषा में इस नोट्स को तैयार किया है, है ना। तो आप आसानी से इस नोट्स को समझ भी पाएंगे, आप लोगों के लिए समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा इतिहास जैसे सब्जेक्ट को। ठीक है, तो जितने भी एनसीईआरटी का टॉपिक है वो तो साथ साथ आपको इसमें मिल ही जाएगा, पूरे एनसीईआरटी बुक को हमने कवर किया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई जहां भी हमें चित्र की जरूरत हुई वहां पे हमने चित्र भी यूज में लाया है इस नोट्स में, इस पीडीएफ में। तो इससे और ज्यादा आपका मतलब इंटरेस्ट जागेगा इतिहास को पढ़ने के लिए, सब्जेक्ट को और ज्यादा आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। जहां पे हमें हेडिंग्स की जरूरत हुई हमने हेडिंग्स भी अलग कलर से बनाया है इसको। ठीक है जी, अब देखो ये तो हो गया एनसीईआरटी के सारे टॉपिक, है ना। साथ ही साथ आप देखेंगे कि भाई क्वेश्चन आंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा जी, इसी में आपको क्वेश्चन आंसर भी देखने को मिल जाएगा। नोट्स की यही तो खासियत है भैया, इस पीडीएफ की यही तो खासियत है कि इसमें आपको क्वेश्चन आंसर भी देखने को मिल जाएगा। एक पीडीएफ में आपको 4 चैप्टर यानी कि पूरी बुक को हमने कवर करा दिया है।
एक पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे, उसमें आपको पूरे चार के चार चैप्टर देखने को मिल जाएंगे, है ना। साथ ही साथ चार चैप्टर के बाद इसी पीडीएफ में आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएगा। हर एक चैप्टर में जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको लाइन से देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, है ना। और हर एक टॉपिक से, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ टॉपिक हमने स्किप कर दिया, कुछ टॉपिक से हमने क्वेश्चन नहीं लिए, सभी टॉपिक से आप क्वेश्चन ऐड किए गए हैं जो कि पेपर में आपके पूछे गए। देखो जैसे कि एक क्वेश्चन को तीन तरीके से पूछ लिया, तीनों तरीके से ये क्वेश्चन हमने ऐड कर दिया इस पीडीएफ में। तो आप नोट्स के बाद क्वेश्चन आंसर को भी पढ़ पाएंगे, क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व कर पाएंगे आप आसानी से। क्वेश्चन के बहुत जो आंसर हमने लिखा है, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन को देखें, एक लॉन्ग क्वेश्चन का भी एग्जांपल दे देता हूं कि भैया बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भैया लॉन्ग क्वेश्चन में आखिर लिखे क्या, हम किस तरीके से आंसर करें कि पूरे 8 नंबर मिल जाए। भाई देखो इस नोट्स में हमने जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है ऐसे आंसर लिख रखा है ना कि आप अगर लिख दोगे ना भाई, एक नंबर भी टीचर नहीं काट सकता, एक नंबर भी नहीं काट सकता। जैसे देखो मोहन जोदड़े के नियोजित शहर वाला जो आपका क्वेश्चन है, अब अगर आप इसका आंसर देखोगे कि हमने कितने अच्छे तरीके से आंसर यहाँ पे हमने मतलब इसमें ऐड किया है, जैसे कि बस्तियों का विभाजन ये हेडिंग बना दिया हमने पहला, इस हेडिंग के भी सब हेडिंग्स हमने बना दिए, इस तरीके से हमने आंसर को बहुत जबरदस्त बना दिया, ठीक है। दूसरा हेडिंग आप चबूतरों का निर्माण देखो, समानता, समान आकार के ईंटों का प्रयोग, नालियों का निर्माण, इस तरीके से हेडिंग, और हेडिंग के बाद उस हेडिंग को हमने एक्सप्लेन भी कर रखा है आसान और सरल भाषा में, ठीक है जी। तो इस तरीके से इस वीडियो को हमने बनाया। अब जो स्टूडेंट बिल्कुल भी इतिहास में इंटरेस्ट नहीं रखता है, इतिहास समझ में नहीं आता है, वो भी इस पीडीएफ को परचेज कर सकता है, फ्री में डाउनलोड कर सकता है, या फिर फ्री में तो भाई मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा। साथ ही साथ देखो भाई, इस नोट्स को बनाने में, नोट्स को तैयार करने में मेहनत लगा है, एफर्ट लगा है, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करवाने में भाई मेरे को भी खुद के अपने पैसे खर्च करने पड़े हैं। तो सभी स्टूडेंट भाई फ्री में डिमांड ना करें, मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट फ्री में डिमांड ना करें, लेकिन फ्री में भी है, फ्री में भी आपको मिल जाएगा। लेकिन देखो अगर इस पीडीएफ में मैं अगर नोट्स की बात करूं तो नोट्स का जो प्राइस है वो 99 रुपीज है, एक पीडीएफ हमने 99 रुपीज का रखा है। लेकिन इस 99 रुपीज के जगह पे आप चाहे तो इस पीडीएफ को मात्र 5 रुपए 10 रुपए पे करके भी परचेज कर सकते हो। जैसे कि मान लो अगर आपके ग्रुप में 10 स्टूडेंट है, ठीक है, आपके ग्रुप में अगर 10 स्टूडेंट है और हर एक स्टूडेंट 10 रुपए भी आपको देते हैं, है ना, तो 10 रुपए भी आपको अगर मिल जाता है तो कितने हो जाएंगे भैया, सीधे 100 रुपए आपके हो जाएंगे, है ना। अभी 100 रुपए से आप आसानी से इस वीडियो को परचेज कर सकते हो और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप अकेले परचेज करने में सक्षम हो, 99 रुपीज आप पे कर सकते हो, तब तो और अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप अपने दोस्तों से पैसे कलेक्ट करो और उसके बाद इस पीडीएफ को परचेज कर लो, सभी दोस्तों को शेयर कर दो, अपने क्लास ग्रुप में शेयर कर दो, दूसरे और जितने दोस्तों को आप शेयर करना चाहते हो सबको कर सकते हो। ये नहीं कि यहाँ पे हमने पासवर्ड लॉक लगा रखा है कि भाई एक स्टूडेंट एक ही बार ओपन कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितने मर्जी दोस्तों को चाहो उतने मर्जी दोस्तों को शेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप मात्र 5 रुपए या 10 रुपए इकट्ठा करके भी आप इस पीडीएफ को परचेज कर पाएंगे। तो अब मैं आगे बताने वाला हूं कि भाई आप किस तरीके से इस पीडीएफ को परचेज करेंगे, क्या प्रोसेस रहने वाला है, उसकी हम बात कर लेते हैं। और फ्री में कहां से मिलेगा, फ्री में किस तरीके से मिलेगा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए जी, तो देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे लिंक देखने को मिल जाएंगे, है ना। आपको सिंपली क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और जितनी भी वीडियो हमारी पुरानी वीडियो है या नई वीडियो है सब में आपको ये सारे लिंक्स आपको दिख जाएंगे। तो कहीं से भी जाके आप इस नोट्स को डाउनलोड आसानी से कर पाएंगे। तो देखो जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे ना, लिंक पे क्लिक करते ही आप इस पेज पे पहुंचोगे, पहला पेज जो ओपन होगा वो यही, लिंक पे क्लिक करते ही ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमने टाइटल भी डाल रखा है, क्लास 12 हिस्ट्री बुक 1 चैप्टर 1 2 3 4 नोट्स एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, नोट्स के साथ साथ क्वेश्चन आंसर आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो भाई आपको देखो मेक पेमेंट जो है, मेक पेमेंट करने से पहले आपको दो चीजें यहाँ पे डालनी पड़ेगी आपको अपनी, एक तो भाई ईमेल डालनी है यहाँ पे, है ना, और ईमेल के साथ साथ आपको अपना फोन नंबर भी डालना है। तो मैं ईमेल डाल देता हूँ, अब फोन नंबर डाल देता हूं मैं अपना,
ठीक है, ये दो जानकारी आपको देनी है, उसके बाद मेक पेमेंट के ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है, मेक पेमेंट के ऑप्शन पे मैं जैसे क्लिक करूंगा मैं अगले पेज पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, और यहां पे आपको बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। सीधा आप देखो यहां पे सिंपली क्यूआर स्कैन क्यूआर कोड आप यहां पे क्लिक करेंगे, आपको क्यूआर कोड दिख जाएगा। इस क्यूआर कोड को आप फोन पे से, पेटीएम से, या फिर किसी भी और दूसरे जो पेमेंट के जो मेथड है उससे आप स्कैन करके आसानी से पेमेंट करेंगे। पेमेंट करते ही क्या होगा, पीडीएफ का जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा, वहां पे जाके पेमेंट जैसे आपका सक्सेसफुल होता है वहां पे आपको खुल जाएगा पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन। आप डायरेक्टली वहां से क्या कर सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं कि भैया मैंने पेमेंट कर दिया है लेकिन नोट्स अभी तक मेरे को नहीं मिला। मैं आपको हर हाल में नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों का अब सवाल आ रहा है कि भैया हम फ्री में, ये तो हो गया भाई पेमेंट जो भी कर रहे हैं आसानी से यहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का भाई फ्री में डिमांड है कि भैया फ्री में आप हमें नोट्स प्रोवाइड कराइए। तो फ्री में आपको कैसे मिलेगा, मैं उसकी बात कर लेता हूं। देखिए जी, आप सभी को करना होगा भाई इंस्टा पे आके आपको मैसेज करना है। इंस्टा आईडी की मैं बात करूं, आप सभी, बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी है, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता। तो देखो इंस्टा आईडी अपना रोशन सा स्टडी पॉइंट है ना, लिंक आपको हमारे चैनल पे भी देखने को मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, या सिंपली आप इंस्टाग्राम पे जाकर सर्च कर लेना रोशन सा स्टडी पॉइंट है ना। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप आके मेरे को फॉलो करो, फॉलो करने के लिए नहीं कह रहा, सिंपली आप मेरे को बस एक मैसेज डाल सकते हो कि भैया मेरे को ना फ्री पीडीएफ चाहिए, आपके नोट्स मेरे को चाहिए, मैं किसी कारणवश पेमेंट नहीं कर सकता। ठीक है जी, मैं आपको जरूर फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल पे पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट के पास ये पीडीएफ हो। अगर आप पेमेंट करते हैं अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप मेरे को टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आपको रोशन सर स्टडी पॉइंट्स के नाम से ही चैनल दिख जाएगा, इसको भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये नोट्स बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। 95 प्लस का हमने जो टारगेट रखा है, हमने 100 आउट ऑफ 100 का जो टारगेट रखा है उसको हम लोग जरूर से जरूर अचीव करेंगे, मिलके मेहनत करेंगे, मिलके आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप सभी अपना ख्याल रखें, धन्यवाद। बे यार पूरा हिल क्या सही।